हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एस्पिरेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट है जो कि शॉकिंग भी है और अच्छी भी है। शॉकिंग उन एस्पिरेंट के लिए है जिन्हें एसएससी ने री एग्जाम के लिए मेल या फिर एसएमएस किया है। किसी भी एस्पिरेंट ने उम्मीद नहीं करी थी कि उसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 8 से 10 दिन बाद वापस देना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी खबर तो उन एस्पिरेंट के लिए है जिन्हें गलतियां हो गई थी एग्जाम देने में, या फिर उनके उनका एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो उनके पास अपनी गलतियां सुधारने का एसएससी ने उनको वापस से बाय लक वापस से मौका दे दिया है। एसएससी ने ये मौका कुछ ही एस्पिरेंट को दिया है, हर किसी को नहीं दिया। एसएससी ने मेल और एसएमएस केवल उन्हीं एस्पिरेंट को भेजा है जिनका री एग्जाम होना है, और जो री एग्जाम होगा उसके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। और री एग्जाम की डेट आप लोगों की 3 दिसंबर होने वाली है। 3 दिसंबर को जो पेपर होना था लास्ट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, तो वही आप लोगों के लिए होगा जिनके पास री एग्जाम का नोटिस एसएमएस और या फिर मेल आया है। और सबसे मेन बात, एसएससी ने नोटिस में तो अपने यही डाला है कि जिन एस्पिरेंट का एग्जाम अमृतसर में जिनका एग्जाम सेंटर आया था और जिनका जो एग्जाम की डेट 20 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के बीच में थी, तो उन्हीं का री एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन ये बात कंप्लीटली सच नहीं है, क्योंकि कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जिनका एग्जाम सेंटर प्रयागराज था और उनका भी री एग्जाम का उनके पास एसएमएस आया है। जैसे कि मेरे को एक्सपेरेंट ने भेजे हैं खुद पर्सनली, जब उनके पास इस तरीके का मैसेज आया था, तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, एक अमृतसर वाला है और एक आप लोगों का प्रयागराज वाला है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर एसएससी ने ऐसा किया क्यों है। देखिए, एसएससी ने इसका रीजन तो अभी तक क्लियर नहीं किया है, लेकिन इसके दो ही रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये कि उसे जो लैब है, लैब से पूरा अनऑथराइज्ड चीजें मिली हो, या फिर आइडेंटिटी में कोई प्रॉब्लम आई हो, या फिर वो पूरा कंप्लीट उनको डाटा नहीं दे पाए हो, ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा एक रीजन ये हो सकता है कि जो डाटा था एस्पिरेंट का, तो वहां उनको कलेक्शन में दिक्कत आई है, या फिर टेक्निकल इश्यूज हुए हैं, या फिर जो डाटा था एग्जाम का तो वो डिलीट हो चुका है कंप्लीटली, तब जाके एसएससी ऐसा कदम उठाती है। ऐसा पहले भी एसएससी ने करा हुआ है। एनीवे, जिनका एग्जाम दोबारा हुआ है, जिनके पास वापस मैसेज आया है एग्जाम के लिए, तो उनको तो बेस्ट ऑफ लक। वो अगर उन्होंने पहले अपना एग्जाम खराब कर लिया या उनको लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो उनको तो वापस से एक गॉड गिफ्टेड चीजें मिल चुकी है। तो आप लोग अपने एग्जाम को अच्छे से करके आना, इस बार आप लोगों को वापस ऐसा मौका नहीं मिलता है। शायद ये आप लोगों की किस्मत के अकॉर्डिंग आप लोगों को वापस मौका मिल चुका है, तो अपनी तैयारी आप लोगों की पहले हो रखी है। अब बस उसको अपनी गलतियां सुधारनी जो आप लोगों ने पहले करी होगी, अब आप उनको सुधार सकते हैं। और जिनके पास मैसेज नहीं आया, जिनका एग्जाम हो चुका है, तो उनको ऐसा घबराने वाली बात नहीं है कि ये हमसे ज्यादा नंबर ले जाएंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा। एसएससी सबको इक्वल नॉर्मलाइजेशन करके सबको इक्वल ले आती है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। और जिनका एग्जाम हो चुका है, तो प्लीज फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। मैंने आप लोगों को बताया था, स्टार्टिंग कर रहा हूं, इतनी ज्यादा नहीं जाती है, एवरेज ही रहने वाली, जो लास्ट ईयर थी उसके आसपास ही घूमेगी कट ऑफ भी। लेकिन कुछ भी हो सकता है, आप लोग उसके ऊपर डिपेंड मत रहिए, आप लोग अपना फिजिकल करिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल आसान नहीं होता है। बहुत सारे एस्पिरेंट बाहर हो जाते हैं, जैसे कि हमारे टाइम पे भी हुए थे, इतने अच्छे अच्छे नंबर वाले एस्पिरेंट थे जिनका फिजिकल वीक होने की वजह से जिनको तैयारी का टाइम भी नहीं मिला था, जबकि हमारे टाइम पे कोरोना था, उसके बावजूद भी वो लोग फेल हो गए थे। तो अभी तो आप लोगों का फिजिकल वैसे भी जल्दी होगा, और आप लोगों की फिजिकल की डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है, तो उसको आप लोग अभी से ही रेडी रखिए, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। फिजिकल सर्दियों में करना काफी डिफिकल्ट टास्क भी होता है, आप लोगों के लिए लॉन्ग जंप भी है, हाई जंप भी है, रनिंग भी है, तो ये इतना इजी नहीं है कि कोई भी जल्दी से 1-2 महीने में कवर कर लेगा। तो अभी से अपना स्टैमिना बनाइए और फिजिकल पर फोकस करिए, अच्छा खाइए पिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। और जिनका एग्जाम खराब गया, तो अभी उनके पास एसएससी जीडी का काफी अच्छा मौका है, जेल वार्डन का भी काफी अच्छा मौका है, तो इन एग्जाम की वो आगे फर्दर तैयारी करते रहिए। अगर इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नहीं लगे, तो वहां वो लोग डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाएंगे। और अपडेट के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे आप लोगों को वेरियस चीजें मिलती है और आप लोगों को नोट्स भी मिल जाते हैं, वहां जाके आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।